दोस्तों कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि कब था हमारा बिहार सबसे ज्यादा अमीर। अगर बात करें लालू प्रसाद यादव के शासन काल की तो उस समय जंगल राज ही था, और आज नीतीश कुमार का डेटा उठा के देखते हैं तो पता चलता है सबसे ज्यादा निचले स्तर पे तो हमारा बिहार ही है। तो समय को पीछे कीजिए और चले जाइए 1962 में। आपको वहां पे दिखेंगे बिहार केसरी से सम्मानित श्री कृष्ण सिंह, जिनको आज श्री बाबू के नाम से जानते हैं। मात्र उन्होंने 14 साल शासन किया था और उसमें सबसे ज्यादा काम किया गया था उद्योग पे, हेल्थ सिस्टम पे, एजुकेशन पे और गरीबों के उत्थान के लिए, जिसके वजह से हमारा बिहार जो है टॉप 2 स्टेट में शामिल हो पाया था। दोस्तों आइए आज के इस नेताओं को सिखाते हैं कैसे बनते हैं मुख्यमंत्री और कैसे बनाते हैं बिहार को नंबर 1। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 1946 में, जब श्री बाबू पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। और मुख्यमंत्री बनते ही ये पहला निर्णय ये लेते हैं कि हमको बिहार को सबसे ज्यादा मजबूत करना है, और इसके लिए वो कदम उठाते हैं। आजाद भारत का पहला खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना HCE हटिया, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सिल बोकारो, एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड गढ़ाड़ा, आजादी के बाद गंगोत्री से गंगा सागर के बीच प्रथम रेल सड़क, इस तरीके के तमाम काम जिसके वजह से बिहार सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला स्टेट बन गया था पूरे हिंदुस्तान में। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है। फोर्ड फाउंडर के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री एपेलबी ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि बिहार जो है वो सबसे बेहतर शासित प्रदेश है। दोस्तों आपको बता दें, श्री बाबू जाति से भूमिहार थे और इस जाति को बिहार में जमींदार कहा जाता है। आज के कुछ लड़के तो ये भी कहते हैं कि अंग्रेज के जाने के बाद अगर बिहार में किसी ने शासन किया था तो वो भूमिहार ही थे, उनके पास इतना ज्यादा जमीन था। लेकिन अब जब हम श्री बाबू के बारे में आपको बताएंगे तो आप अपना सर पकड़ लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने आंदोलन किया और इस बात को सभी लोगों को बताया कि नहीं नहीं, किसी जमींदारी कल्चर को हम अपने शासन काल में बढ़ावा नहीं देंगे। किसी एक इंसान के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं रहेगा जिसके वजह से सारे लोग उसके खेत में जाके मजदूरी करेंगे। जमींदारी प्रथा को जल्द से जल्द हटाया जाए, और ये श्री बाबू का ही शुरुआत किया हुआ है जिसके वजह से जमींदारी कल्चर को बिहार से खत्म किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, जब बिहार में छुआछूत चरम सीमा पे था उस समय एक नियम हुआ करता था। वो नियम ये था कि कोई भी दलित व्यक्ति जो है वो बाबा धाम के मंदिर में एंट्री नहीं कर सकता है। उस समय श्री बाबू ने आंदोलन किया और इस नियम को भी ध्वस्त किया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, भगवान के बनाए हुए हम सब हैं और यहाँ पे जाति को लेके भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और बतौर मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने इस आंदोलन की वजह से बहुत सारी परेशानियां झेली, लेकिन आखिरी तक इस नियम को खत्म कर दिया। और उसके बाद से सभी दलित जो हैं वो भगवान शिव तक जा सकते थे और आराम से पूजा पाठ कर सकते थे। और तब जाके दोस्तों बिहार में राम राज्य आया। जिस तरीके से राम के जमाने में कोई भेदभाव ऊपर नीचे में नहीं होता था, उस तरीके से श्री बाबू के टाइम में भेदभाव नहीं होता था, और यही वो कारण था जिसके वजह से बिहार टॉप 2 स्टेट में पूरे हिंदुस्तान में मौजूद हो गया था उस वक्त। दोस्तों आज एकदम समय बदल चुका है। आज किसी भी नेता को अगर वोट चाहिए तो सबसे पहले तो वो राम, रहीम, मंदिर, मस्जिद, इस तरीके से करके वोट लेता है। लेकिन अगर हम बात करें श्री बाबू की, तो वो किसी भी तरीके कोई भी चुनाव प्रचार में 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब वो जनता से मिलने जाते थे तो सारा सिक्योरिटी हट जाता था और एक CM डायरेक्ट जनता से मिल पाता था। और यही वो कारण था जिसके वजह से श्री बाबू जब तक जिंदा थे तब तक मुख्यमंत्री बनते रहे और उनको वोट मांगने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। अब आइए दोस्तों जरा इनके ईमानदारी पे बात करते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। इनका निधन जो है वो 1961 में हो चुका था और अब बारी थी इनके संपत्ति की जांच करने की कि आखिर ये कितना ज्यादा पैसा कमाए हैं बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए। दोस्तों सारा जांच हुआ जिसमें श्री बाबू की बाहरी प्रॉपर्टी 1 रुपया की भी नहीं मिली और आखिरी में बचा था तिजोरी। तिजोरी को खोलने के लिए राज्यपाल की मौजूदगी होनी थी। राज्यपाल आते हैं और उस तिजोरी को खोला जाता है।
तिजोरी में चार लिफाफे पड़े होते हैं और वो चारों लिफाफे किसी न किसी के लिए श्री बाबू रखे हुए थे, और उस चारों लिफाफों के अगर पैसों की जोड़ दिया जाए तो मात्र 24,500 रुपए उनके उस तिजोरी में मौजूद था। दोस्तों सबसे पहला लिफाफा खोला जाता है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा होता है और वो होता है 20,000 रुपया। उसमें लिखा होता है कि ये पैसा जो है वो हमारे पार्टी के लिए जमा किया हुआ पैसा है, और जरा सोचिए कि वो अपने पार्टी से कितना ज्यादा प्यार करते थे, पार्टी के प्रति कितना ज्यादा ईमानदार थे कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट जो है जितना कमाए थे उसमें का वो अपने पार्टी के लिए रखे थे। दोस्तों उसके बाद दूसरा लिफाफा खोला जाता है जिसमें 3,000 रुपए मिलते हैं। वो पैसा श्री बाबू ने अपने मुनीम की बेटी के शादी के लिए रखा था। दोस्तों उसके बाद तीसरा लिफाफा खुलता है जिसमें 1,000 रुपया होता है, और इस बात को आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वो 1,000 रुपया बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अपने बेटी के शादी के लिए रखे थे, मात्र 1,000 रुपया। दोस्तों अब बारी आ चुका था आखिरी लिफाफा खोलने का। उसको खोला जाता है तो उसमें 500 रुपया मिलता है, और श्री बाबू ने उस चीज को भी मेंशन कर रखा था कि वो पैसा किसको मिलना है। वो अपने सबसे विश्वसनीय नौकर के लिए वो 500 रुपया रखे थे, और यही वो पूरा धन संपत्ति था जो श्री बाबू के जीवन में था, जिसमें से अगर कायदे से देखा जाए तो वो मात्र 1,000 रुपया रखे थे बतौर मुख्यमंत्री, वो भी अपने बेटी के शादी के लिए। दोस्तों ये बिहार का दुर्भाग्य है कि कोई अपने बच्चों को बढ़ाना चाहता है तो कोई अपने सुख सुविधा के लिए चुनाव लड़ता है। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि फिर से बिहार को 2 नंबर पे कैसे लेके जाया जाएगा। आज इतना सारा भाषण सुन रहे हैं, सभी नेताओं का भाषण सुन रहे हैं, लेकिन किसी को ये कहते नहीं सुन रहे हैं कि हम फिर से बिहार को टॉप स्टेट बना देंगे। किसी भी समाचार पत्र में ये खबर आया कि नीतीश बाबू कह रहे हैं कि बिहार के हर जिला में एक फैक्ट्री लगेगा तब समर्थन देंगे, बोला भाई। खैर दोस्तों आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपको श्री बाबू जैसा कौन सा नेता लगता है आज के जमाने में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।